मृणाल जयनालिकर ने महराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ जनपद में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी को और अधिक मेहनत करनी होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि जांच की संख्या को और बढ़ाते हुए प्रतिदिन 3000 जांच किया जाए। उन्होंने सीएससी पीएससी के लैब टेक्नीशियन के द्वारा किए जा रहे जांच की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एमवाईसी अपने अपने पीएससी सीएससी पर तैनात लैब टेक्नीशियन के द्वारा प्रतिदिन कोरोना के जांच के कार्यों की निगरानी करते हुए अधिक से अधिक जांच सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम अनिवार्य रूप से उनके घरों को जाएँ तथा संक्रमित मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच की प्रतिदिन समीक्षा किया जाए और जांच के कार्यों की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। मंडलायुक्त ने जेईएस और एईएस की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि मरीज का इलाज ईटीसी सीएससी पीएससी जिला अस्पताल में किया जाए, गंभीर मरीजों की बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाए जिससे उनका समुचित इलाज हो सके। और उसके लिए छोटे छोटे कार्य करते हैं और इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इनकी आर आर टी चाहे वो सी एम ओ साहब इसको देखेंगे, बट हमारी जो रेजिडेंट्स हैं आपके चार हैं चाहता आपका एरिया रेजिडेंट का थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है कि वो 10 जगह की बहुत सारा 5 से 10 की एक दिन में सुरक्षित करने के लिए उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आर आर टी का भ्रमण और उनको जो अगर एक्टिव ना वो भी पहले से हमारे सरकार की तरफ से निर्देश बट वो फिर दीजिए होता क्या है, मैंने जनता गुरुओं ने भी देखा है कि अगर केंद्र की बिजली से हो जाता है तो वो भी रूप से मिल जाता है। जनता करके आर आर टी की विजिट और मेडिसिन की को पहुंच जाए ये तो किसी में नहीं दीजिए नीचे कि ये बजट हमारी एक में खानी है गर्भवती महिला और उनके बच्चे और ये आईटीसी पर आप एक सिस्टम लगा दीजिए उसमें भले आप जो आप क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी हैं या नहीं हो आप आयुष के